वाल्मीकि रामायण स्वाध्याय के 29वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बाल्य कांडम अष्टाविंशः सर्गः, राजा जनक द्वारा राजा दशरथ जी का आतिथ्य। राजा दशरथ अपनी सेना के साथ वशिष्ठ जी, वामदेव जी, कश्यप जी और मार्कंडे और बाकी अन्य ऋषियों के साथ जनकपुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। 4 दिन मार्ग में बिताने के बाद वो जनकपुरी पहुंचते हैं। जनकपुरी पहुंचने पर जैसे ही राजा जनक को उनके आने की खबर मिलती है, वो उनके स्वागत की तैयारियों में लग जाते हैं। जैसे ही राजा जनक राजा दशरथ से मिलते हैं तो वो उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हे राजा दशरथ जी, ये मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे यहाँ पधारे और साथ ही वशिष्ठ जी अन्य ऋषियों के साथ पधारे, जैसे इंद्र के साथ देवता पधारते हैं। हे नरेंद्र, कल प्रातःकाल यज्ञ संपन्न होते ही ऋषियों की सहमति से विवाह को संपन्न कराने का कार्य करें। तब महाराजा दशरथ जनक जी से कहते हैं, हमने सुना है कि दान दाता अधीन है, इसलिए आप जो कहेंगे हम वो कर लेंगे। राजा दशरथ के ऐसे वचनों को सुनकर राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए और ऋषियों के साथ और राजा दशरथ के साथ उन्होंने वह रात्रि वहीं व्यतीत। राजा दशरथ भी अपने दोनों पुत्रों राम और लक्ष्मण को देखकर अति प्रसन्न हुए, अत्यंत आनंदित होकर सुखपूर्वक वहीं वास किया। जय श्री राम।